का तो बताने जा रहे हैं। खैर अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा जो कि 27 अक्टूबर को खेला जाएगा, 29 अक्टूबर को तीसरा मुकाबला जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, फिर चौथा मुकाबला जो 2 नवंबर को खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर 6 नवंबर को खेला जाएगा पांचवा मुकाबला, अंतिम मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ। और इस तरह से टीम इंडिया 5 में से 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, तभी जाकर वो टीम इंडिया सेमीफाइनल तक की राह बना पाएगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं टीम इंडिया की कहीं न कहीं प्लेइंग 11 में, तो साफ तौर पर है कि प्लेइंग 11 की इंडिया की तस्वीर साफ दिखाई देती है। इसमें कोई बड़ा उलटफेर है नहीं। गेंदबाजी एक्शंस पे देखना होगा हर्षल पटेल या मोहम्मद शमी, इनमें से